नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जिस मामले में राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को फंसाया गया है, जिस मामले में लालू प्रसाद यादव का नाम सामने आया है, इसमें लालू प्रसाद यादव की कोई गलती नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चारा घोटाला मामले की। बता दें कि डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव की तरफ से अब बहस की जा रही है। बचाव पक्ष में वकील अपनी बातें रख रहे हैं और कई तरह के सबूत भी। राजू सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के वकील की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जब इस घोटाले को अंजाम दिया गया, उस वक्त लालू प्रसाद यादव सीबीआई जांच करवाना चाहते थे और लालू प्रसाद यादव इस पूरे मामले में कहीं से भी दोषी नहीं है। आखिर क्या कुछ कहना है राजू सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के वकील का, किस तरह से सीबीआई कोर्ट में उन्होंने बातें रखी है, लालू प्रसाद यादव के बचाव में उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस खबर से जुड़ी आपको सारी जानकारी देते हैं और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर किस तरह से लालू प्रसाद यादव की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की गई थी। बता दें कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से बहस की जा रही है। इस दौरान उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार वाहन किराया के रूप में कोषागार से फर्जी निकासी हुई थी। ट्रक बताकर जिन वाहनों के नंबर देकर भुगतान ले लिया गया, वे नंबर स्कूटर, बाइक और अन्य वाहनों के निकले थे। बता दें कि इसमें लालू प्रसाद की कोई भूमिका नहीं है, ये बात उनके वकील की तरफ से कही गई है। इतना ही नहीं, पशुपालन मंत्री रामजीवन सिंह ने इसकी जांच सीबीआई से कराने की बात कही तो तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने मुख्य सचिव से इस पर मंतव्य मांगा। मुख्य सचिव ने कहा कि मेरी बात सीबीआई के निर्देशक से हुई है, निर्देशक ने कहा कि वह इस तरह के मामले की जांच नहीं करते हैं, इसलिए इसकी जांच सीआईडी या निगरानी से करानी चाहिए। इसके बाद लालू प्रसाद ने निगरानी से जांच कराने का आदेश दिया था। इसमें लालू प्रसाद यादव कहीं से भी दोषी नहीं है। बता दें कि डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़े मामले में 78 आरोपितों की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। इस मामले में लालू प्रसाद सहित 112 आरोपित मुकदमे का सामना कर रहे हैं। लालू प्रसाद की ओर से आज भी बहस की जाएगी, लेकिन इस पूरे मामले में बड़ी बात लालू प्रसाद यादव के वकील की तरफ से कही गई, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव की कहीं से भी कोई गलती नहीं है। जब इस अवैध निकासी को अंजाम दिया गया, उस वक्त भी लालू प्रसाद यादव की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की गई थी और इसको लेकर उन्होंने आगे का काम भी किया, और ऐसे में कहीं से भी लालू प्रसाद यादव की इस मामले में जो है उनकी कोई गलती नहीं है, ना तो लालू प्रसाद किसी भी तरह से दोषी है। तो डोरंडा कोषागार मामले में जो सुनवाई है वो सीबीआई अदालत में चल रही है। बचाव पक्ष में लालू प्रसाद यादव के वकील बहस कर रहे हैं। आपको बताएं कि सीबीआई की ओर से जो सबूत थे, जो दस्तावेज थे, वो कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं। सीबीआई ने अपनी बहस पूरी कर ली है और अब लालू प्रसाद यादव को अपने बचाव में बहस करना है। हर दिन इसमें बहस की जा रही है, हर दिन अदालत में लालू प्रसाद यादव के वकील बचाव में अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन सबके बीच बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई, जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि लालू प्रसाद यादव कहीं से भी दोषी नहीं है। और इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने तो खुद सीबीआई की जांच की मांग की थी। अब देखने वाली बात होती है कि सीबीआई अदालत में आगे क्या कुछ फैसला लिया जाता है। और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव अपने मुवक्किल यानी कि लालू प्रसाद को निर्दोष साबित करने में लगे हुए हैं, इसको लेकर अदालत क्या कुछ फैसला सुनाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।